हे गाइस, आपका स्वागत है ऑटोरिव्यूज के एक और नए एपिसोड पे। और आज मैं आया हूँ रॉयल एनफील्ड पे टू चेक आउट द ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड अगर आपको इस बाइक के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट। आई मीट होस्ट रोनांग सोलर और आप देख रहे हैं ऑटोरिव्यूज का यूट्यूब चैनल। सो हियर इज द ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। अब ये बाइक अवेलेबल है तीनों वेरिएंट्स में। एक है आपका जो बेस मॉडल हुआ है फायरबॉल, दूसरा है आपका जो मिड मॉडल हुआ है स्टेलर, और तीसरा आपका जो हायर एंड या टॉप एंड मॉडल है वो है आपका सुपरनोवा। अब ये जो वेरिएंट देख रहे हैं ये हायर एंड वर्जन सुपरनोवा है। और ये बाइक अवेलेबल है दो कलर ऑप्शन में, एक है आपका जो ये कलर और दूसरा आपका ब्लू। सो जब आप लोग इस मोटरसाइकिल के फ्रंट प्रोफाइल को देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली नोटिस करेंगे कि इसको एक राउंड शेप का हेलोजन बल्ब का हेडलैम्प मिलता है विद डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ। साथ में ऊपर आपको एक बड़ा सा विंडशील्ड भी दिया हुआ है। और हेडलैम्प के दोनों साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको टर्न इंडिकेटर्स मिलता है जो बेसिकली आपका बल्ब टाइप टर्न इंडिकेटर्स है। और जब आप इसके रियर व्यू मिरर्स की बात करेंगे तो वो आपको क्रोम डिज़ाइन में राउंड शेप का रियर व्यू मिरर्स मिलता है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द फ्रंट टायर साइज ऑफ दिस मोटरसाइकिल, तो इस मोटरसाइकिल के फ्रंट पे आपको 100x90 के 19-inch ट्यूबलेस टायर मिलता है विद अलॉय व्हील्स के साथ। और साथ में आपको 300mm का डिस्क ब्रेक मिलता है विद ट्वाइन पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर के साथ। और जब आप लोग इस मोटरसाइकिल के फ्रंट सस्पेंशन सेटअप की बात करोगे तो इस मोटरसाइकिल के फ्रंट पे आपको 41mm का टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिल जाता है। और जब आप लोग इस मोटरसाइकिल का साइड प्रोफाइल देखेंगे तो आप लोग क्लियरली नोटिस करेंगे कि इस मोटरसाइकिल को साइड से भी एक बढ़िया सा लुक मिलता है। और साथ में जब आप इस मोटरसाइकिल का एक शोरूम प्राइस की बात करेंगे तो इसको 1.78 लाख रुपीस इसका एक शोरूम प्राइस है। और जब आप लोग इस मोटरसाइकिल का रियर प्रोफाइल देखेंगे तो रियर से भी इस मोटरसाइकिल को एक कूल सा लुक मिलता है फॉर श्योर। इसके रियर पे आपको एक राउंड शेप का LED टेल लैम्प मिल जाता है, उसके साइड पे आपके दो राउंड शेप के येलो कलर्स के बेसिक इंडिकेटर्स मिलता है। और साथ में आप नंबर प्लेट के थोड़ा नीचे देखेंगे तो आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है। और जब आप लोग इस मोटरसाइकिल के रियर टायर साइज की बात करेंगे तो इसको रियर में 140x70 के 17-inch ट्यूबलेस टायर मिलता है विद अलॉय व्हील्स के साथ। इस मोटरसाइकिल में आपको 270mm डिस्क ब्रेक मिलता है विद सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर विद ऑल्सो डुअल चैनल ABS के साथ। और जब आप लोग इस मोटरसाइकिल के रियर सस्पेंडर सेटअप की बात करेंगे तो इस मोटरसाइकिल के रियर पे आपको 6-स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड शॉक एब्जर्वर का सस्पेंशन मिल जाता है। और जब आप लोग इस मोटरसाइकिल के इस पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे आपको एक मीटियोर 350 की बैजिंग मिल जाती है। और साथ में आप थोड़ा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक क्रोम डिजाइन में रॉयल एनफील्ड की बैजिंग देखने को मिल जाती है। एंड जब आप लोग इस मोटरसाइकिल के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो इस मोटरसाइकिल में आपको 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। और जब आप लोग इस मोटरसाइकिल के इंजन स्पेक्स की बात करोगे तो इस मोटरसाइकिल में आपको 349cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, 2 केट प्रोड्यूसिंग 20.2 bhp ऑफ पावर एंड द 27 Nm ऑफ टर्बो 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। और जब आप लोग इस मोटरसाइकिल के हैंडल बार्स की टच एंड फील और मटेरियल्स की बात करोगे तो वो बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। इसके हैंडल बार्स पर एक क्रोम एलिमेंट मिलता है एक छोटा सा, जो एक काफी ज्यादा कूल सा लुक बनाता है इस मोटरसाइकिल के हैंडल बार्स को। एंड दैट इज योर लेफ्ट साइड कंट्रोल। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक लो बीम हाई बीम एंड पासिंग लाइट का स्विच मिलता है, उसके थोड़ा नीचे आपके टर्न इंडिकेटर्स का स्विच मिलता है और उसके थोड़ा नीचे आपका हॉर्न का स्विच मिल जाता है। एंड दैट इज योर राइट साइड कंट्रोल। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नया फीचर एड ऑन हुआ है कंट्रोल्स पे, विच इज अ हैजर्ड लाइट। इस मोटरसाइकिल में आपको फाइनली कंपनी फिटेड हैजर्ड लाइट मिलता है। और साथ में आप अदर फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक सेल्फ स्टार्ट का बटन मिलता है और साथ में आपको किल स्विच का बटन भी मिलता है। और जब आप लोग इस मोटरसाइकिल के सीटिंग कंफर्ट की बात करोगे तो वो बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। इस मोटरसाइकिल में आपको सैडल सीट्स देखने को मिल जाता है और एटलीस्ट जो राइडर है उसको ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टनेस ऑफर करेगा ये सीट्स। और साथ में पीछे भी आपको एक अच्छा खासा कंफर्टनेस सीट्स देखने को मिल जाता है।
साथ में जब आप लोग इस मोटरसाइकिल के सीट हाइट की बात करोगे तो इस मोटरसाइकिल में आपको जो सीट हाइट मिल रहा है दैट इज 765 mm, और साथ में जब आप लोग इस मोटरसाइकिल के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करोगे तो इस मोटरसाइकिल में आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। नाउ लेट्स सी द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ दिस मोटरसाइकिल। तो इस मोटरसाइकिल में आपको ट्वाइन पॉट का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जहां पे आपको एक एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है। एनालॉग स्पीडोमीटर के अंदर आपको एक डिजिटल डिस्प्ले भी दिया हुआ है, जहां पे आपको डिजिटल फ्यूल कॉस्ट, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर एक्सेट्रा जैसा चीज़ें शो कराएगा। और साथ में राइट साइड में आपको एक छोटा सा डिस्प्ले दिया हुआ है, जहां पे आपको मैप्स एंड नेविगेशन का जो फीचर है वो शो होगा, एंड साथ में क्लॉक का ऑप्शन भी राइट साइड डिस्प्ले पे आपको मिल जाता है। अब चलिए सुन लेते हैं इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट, और मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि यूज़ योर हेडफोन फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो दैट्स ऑल यू फॉर राइट नाउ गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में इन व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। कमेंट कीजिए इस वीडियो पे अगर आपको कुछ भी जानना हो या कुछ भी बताना हो तो। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।